हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटा न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान पुलिस सिलेबस के अंतर्गत जो विशेष क्लासे ले रहे हैं उसमें महिला एवं बाल अपराध टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसमें हमने 3 एक्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। दहेज निवारण अधिनियम, सतीपरता निवारण अधिनियम और कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम। तो 3 अधिनियम हमने पहले पढ़ लिए हैं और आज जो नेक्स्ट जो आपके लिए एक्ट लेकर आए हैं, नेक्स्ट जो अधिनियम लेकर आए हैं वो है राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 यानी करंट का ये ध्यान रखिए आप, है ना। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 जो ये अधिनियम है इसमें 15 धाराएं हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, धाराएं कितनी इसमें 15 धाराएं, और जो ये लागू होता है, लागू होने की डेट भी खास तौर पे हमें ध्यान रखना है 26 जनवरी 2016 है। और इस एक्ट की खास बात एक मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें मैंने राजस्थान 7 में ऐड किया, आपको पता है दूसरे एक्ट के अंदर हमने स्पेशली राजस्थान 7 में ऐड नहीं कर रखा। अर्थात जो पहले हमने एक्ट पढ़े, अधिनियम जो पढ़े महिला अपराध से रिलेटिव, वो पूरे भारत में लागू हो, वो पूरे भारत में लागू हैं, लेकिन राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम सिर्फ सिर्फ कौन से स्टेट में आता है, सिर्फ ये राजस्थान में ही लागू हैं। कहाँ पे लागू हैं? राजस्थान में ही लागू हैं। ये कुछ खास बात बताई मैंने पहले आपको, लेकिन पहले ध्यान रखना है कि डायन होता क्या है, डायन प्रता होती क्या है, इसका अर्थ आना हमें बहुत जरूरी है। इसको हम डायन प्रता भी कहते हैं, अरे बात समय, डायन प्रता के साथ और अगर हम बात करें डाकन भी कहते हैं, डाकनिया भी कहते हैं, इन शब्दों का भी प्रयोग अक्सर इसमें किया जाता है। देखिए आप, डायन एक्चुअली एक अपराध, एक सामाजिक कुरीति ऐसी जो प्राचीन समय में विद्यमान थी और वर्तमान में जागरूकता के आधार पर शिक्षा का प्रसार होने के कारण इस पर रोकथाम लगी और एक्ट भी बना है। तो देखिए आप, किसी महिला विशेष को उस पर आरोप लगाना कि इसकी वजह से बच्चे बीमार हो गए, बकरी मर गई हैं, भैंस मर गई हैं, संपत्ति को नुकसान हो रहा है, ऐसे मनगढ़ंत उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि उनकी वजह से ही ऐसा हो रहा है, और उसको डायन बताना, उसको क्या बताना, डायन बताना। तो ऐसी परंपराएं कुछ विद्यमान थी, खास तौर पे शिक्षा का प्रसार नहीं होने के कारण, अंधविश्वासों के कारण लोगों के अंदर ऐसी प्रथाएं विद्यमान थी। अब देखिए हम इसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं, राजस्थान को मद्देनजर रखते हुए कि राजस्थान के अंदर इसका जो प्रभाव था वो किस तरफ था। तो ध्यान रखें आप, राजस्थान स्टेट के अंतर्गत राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव विद्यमान था। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, राजस्थान का कौन सा हिस्सा आता है, दक्षिणी हिस्सा। राजस्थान का दक्षिणी भाग, वहाँ पर इसका डाकनिया प्रथा या डायन प्रथा का प्रभाव विद्यमान था आज़ादी से पहले। तो देखिए आप, इसमें अगर बात करें दक्षिणी भाग में जो ज़्यादातर जनजातियाँ निवास करती है, या हम कह सकते जनजातीय क्षेत्रों में इसका, जनजातियों में इसका प्रभाव था। कारण ये है कि यहाँ पे थोड़ा शिक्षा का प्रभाव कम था, प्रसार कम था, इस कारण इसके अंदर ये प्रथाएँ विद्यमान थी। जैसे स्पेशली जाति विशेष की बात करें, ज़्यादातर किसमें प्रचलित हैं, भीलों के अंदर, किसके अंदर, भीलों के अंदर इस प्रथा का प्रचलन कुछ ज़्यादा था। और अगर हम राजस्थान में स्पेशली संभाग की बात कर लें तो कौन से संभाग में ज़्यादा इसका प्रभाव है, उदयपुर के अंदर। कौन सा संभाग है भाई,
उदयपुर में इसका प्रचलन कुछ ज्यादा था। अब इससे जुड़ी हुई एक बात बताना चाहता हूं मैं ऐतिहासिक दृष्टि से, इसका जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको इसकी पृष्ठभूमि में वो राजस्थान जीके के लिए भी लाभदायक हैं। एक्ट तो हम ले ही रहे हैं लेकिन एड के अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ओवरऑल कंपटीशन के अंदर राजस्थान जीके के लिए भी जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपके लिए लाभदायक है, ध्यान रखें आप। तो देखिए आप इसके इतिहास में अगर हम जाए 1852 की घटना को मैं लेके चलता हूँ राजस्थान में 1852 मेवाड़ रियासत की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी रियासत की बात कर रहा हूँ? मेवाड़। उस टाइम महाराणा स्वरूप सिंह थे यहाँ के शासक। मेवाड़ रियासत की बात करो 1852 में यहाँ पर मेवाड़ भील कोर थी। क्या थी? मेवाड़ भील कोर थी, एमबीसी जो राजस्थान पुलिस का पार्ट है वर्तमान में, ध्यान रखें आप मेवाड़ भील कोर ये एक बटालियन थी, है ना। इसका उस टाइम एक कमांडर था, उसका नाम था जेसी ब्रुक। कमांडर का क्या नाम था? जेसी ब्रुक कमांडर, है ना, जेसी ब्रुक। ये जेसी ब्रुक क्या करते हैं? इस प्रथा के बारे में शिकायत करते हैं। इस प्रथा के बारे में क्या करते हैं? शिकायत करते हैं जेसी ब्रुक। उस टाइम तत्कालीन जो हमारे राजस्थान के एजीजी थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ध्यान रखें आप। उस टाइम एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय भी ये एजीजी थे, ध्यान रखें आप। और इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे, एजीजी, है ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसको ये शख्स, ये कमांडर शिकायत करता है कि भाई ये डाहिन प्रथा कुछ क्षेत्र में ज़्यादा विद्यमान है, इसको रोकथाम लगाई जाए। तो एजीजी क्या करते हैं? उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे महाराजा यहाँ के मेवाड़ के, उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। इसको शिकायत करते वापस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एक दूसरे को शिकायत कर रहे, ध्यान रखें आप, है ना। इसको कहते हैं भाई इस पर रोकथाम लगाई जाए डायन प्रथा पर, ये महाराजा थे उस टाइम मेवाड़ के, कि भाई इस पर रोकथाम लगाया आप। लेकिन स्वरूप सिंह इस पर इतना ध्यान नहीं देते, स्वरूप सिंह इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। और एक बड़ी घटना आके पड़ती वापस 1853 के अंदर। कब आती है? 1853 में वापस एक घटना, ध्यान रखें आप। ये जो मैंने बताया आपको एमबीसी मेवाड़ भील कोर, है ना, इसका क्या होता है? एमबीसी का एक सिपाही, एमबीसी का एक सिपाही एक महिला को मार देता है, हत्या कर देता है। महिला की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और क्या बताकर? उसको डायन बताकर। यानी कि मेवाड़ भील कोर जो बटालियन है उसका एक सिपाही एक महिला को ही हत्या कर देता है, और क्या बताकर? डायन बताकर। फिर क्या होता है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी थे उस टाइम के, वो भारत सरकार को एक पत्र लिखते हैं। भारत सरकार को क्या करते हैं? एक पत्र लिखते हैं और दोबारा उस पर स्वरूप सिंह को बाध्य करते हैं उसके ऊपर रोक लगाने, स्वरूप सिंह को बाध्य करना। इसके ऊपर रोक लगाने, अरे बात समय कि भाई इस डायन प्रथा को रोका जाए, ये एक बड़ी कुरूति है। अब क्या होता है जब स्वरूप सिंह के बाद पास वापस ये शिकायत आती है तो स्वरूप सिंह क्या करते हैं? इसके ऊपर रोक लगाते हैं। स्वरूप सिंह क्या करते हैं? इसके ऊपर रोक लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी, ध्यान रखें आप। वो आईएमपी कैसे हैं? 1853 में उदयपुर रियासत डायन प्रथा पर रोक लगाती है। डायन प्रथा पर क्या लगाती है? रोक लगाती है, समझे आप। यह क्वेश्चन सीधा बन रहा आपके लिए कि वह प्रथम रियासत जिसने डायन प्रथा पर रोक लगाई, तो रियासत कौन सी है? उदयपुर है।
और कब लगाई, 1853 में लगाई। कब लगाई, 1853 में लगाई। और राजा पूछ ले उस टाइम तो कौन है, महाराणा स्वरूप सिंह। क्या नाम था, महाराणा स्वरूप सिंह थी, सिंह उस टाइम शासक था, उसके द्वारा इसके ऊपर रोक लगाएगी 1853 में। अरे बात समय, अब क्या हुआ, स्वरूप सिंह जी ने यहाँ पर रोक लगा दी और कुछ सजा का प्रावधान किया इसके लिए, अगर ऐसी कोई सामाजिक कुरूति करता है, डाइन पड़ता ऐसा करता है, किसी को मजबूरन करता है, उसको ये डाइन है, तो उसके लिए कुछ सजा का प्रावधान किया उन्होंने। सजा ये थी कि अगर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित करने पर 6 माह की सजा। समझ रहा, किसी को कैदिया प्रताड़ित कर रहे भाई ये डायन है, हर बात समय, और तो उसको कितने माह की सजा मिलेगी, 6 माह की सजा मिलेगी। और किसी को प्रताड़ित करने से उसकी मृत्यु हो जाए या उसको मार दिया जाए डायन मानकर, है ना, मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उस शख्स को जो उसको प्रताड़ित करके मार रहा है या जानबूझकर उसको मार रहा है, उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। कौन सी सजा दी जाएगी, मृत्यु दंड की सजा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई पहले कि ये एक पृष्ठभूमि थी के तहत कि राजस्थान में इस प्रकार की ये डायन प्रथा थी और जिसके ऊपर ब्रिटिश भारत के दौरान भी इसके ऊपर रोक लगाई गई। और पहली रियासत थी हमारे राजस्थान के अंदर मेवाड़, इस मेवाड़ के अंदर उदयपुर, जिसने इसके ऊपर रोक लगाई। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अब क्या होता है, आपने देखा होगा अखबार के अंदर, न्यूज़ के अंदर, फलाने गांव के अंदर उसको डायन बताया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो फिर क्या होता है, राजस्थान सरकार इसके लिए राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 लेकर आती है। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 लेकर आती है। और इसमें कितनी धाराएं होती हैं, 15 धाराएं हैं। और जो ये अधिनियम लागू होता है वो 26 जनवरी 2016 को लागू होता है। और इस अधिनियम के तहत किस प्रकार से प्रताड़ित करने पर लोगों को सजा मिलती है, इस अधिनियम की धाराओं को विस्तार से समझते हैं। कितनी धाराएं इसके अंदर, 15 धाराएं। लागू कब हो रहा है ये अधिनियम, 26 जनवरी 2016 को लागू हो रहा है। देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इस अधिनियम से, निम्न अधिनियम में से महिला अपराध से संबंधित कौन सा अधिनियम सिर्फ राजस्थान में लागू होता है, तो कौन सा है, डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। एक्चुअली जितने भी अधिनियम दूसरे हैं वो क्या है, संपूर्ण भारत के अंदर लागू हो रहे हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप, इनकी जो टोटल 15 धाराएं, हमें पूरी 15 धाराएं नहीं पढ़नी है, 6 से 7 धारा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन धाराओं को आपको ध्यान रखना है। उसमें अगर हम बात करें 15 धाराओं में से फर्स्ट धारा की, फर्स्ट धारा यानी कि इस अधिनियम की पहली धारा क्या कहती है, हमने जो पिछले अधिनियम में पढ़ा था नाम, विस्तार और लागू होना, वही चीज़ें इस अधिनियम के अंदर विद्यमान है, फर्स्ट धारा के अंदर। एक तो इसका नाम, एक इसका विस्तार, अरे बात समय, एक तो इसका नाम हो गया, एक इसका विस्तार हो गया, और एक ये क्या है, लागू। ये 3 शब्दों का हमें ध्यान रखना है, नाम, विस्तार और लागू। यानी कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा, इस अधिनियम का नाम क्या होगा, इस अधिनियम का नाम क्या है, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम। अरे बात समय, ये तो बात होगी इसकी नाम की। अब आती बात इसका विस्तार, यानी कहां कहां पे ये लागू है, तो इसका विस्तार क्या है, संपूर्ण राजस्थान में लागू, संपूर्ण राजस्थान में लागू। अरे बात समय, विस्तार क्या है इसका, पूरा राजस्थान। और लागू कब हो रहा है, तो 26 जनवरी 2016। समझा, फर्स्ट धारा को, फर्स्ट धारा इस अधिनियम का नाम, विस्तार और लागू होने के प्रावधान का उल्लेख करती है। नाम इसका राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम हो गया, विस्तार इसका ओवरऑल राजस्थान हो गया, लागू होने की डेट हो गई इसकी 26 जनवरी 2016। आया समय आपकी फर्स्ट धारा।
अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड धारा की, नंबर दो धारा इसकी क्या कहती है। हमने पिछले तीन अधिनियम जो पढ़े उसमें दो नंबर धारा क्या कह रही है, परिभाषा, क्या कह रही है, परिभाषा, और इसमें भी क्या आ जाएगी, परिभाषा। देखो एक जैसा आ रहा दो नंबर धारा को, सीधी सी याद रखो आप, अक्सर ज्यादातर अधिनियमों के अंदर दो नंबर धारा परिभाषा को, इसको अधिनियम की परिभाषा को परिभाषित कर रही है। इसमें देखो क्या क्या परिभाषित कर रखा, देखिए आप, एक तो डायन, कि डायन कहते किसे, एक तो ये शब्द खास तौर पे हमें ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना डायन वृत्ति, हर बात समय डायन वृत्ति, एक ध्यान रखना डायन चिकित्सक, डायन चिकित्सक, तीन शब्द हो गए। तीन के अलावा और देखा आप इसके अंदर, डायन प्रताड़ना, क्या है, डायन प्रताड़ना, ये चार शब्दों को खास तौर पे इसमें परिभाषित कर रखा है। एक तो डायन हो गया, एक डायन वृत्ति हो गया, एक डायन चिकित्सक हो गया, और एक क्या हो गया, डायन प्रताड़ना। अब देखिए आप, फर्स्ट शब्द को हम लेते हैं डायन। डायन होता क्या है, शुरू में अर्थ वैसे आपको बताया है, डायन यानी ऐसी महिला को केंद्रित करना कि उसकी वजह से संपत्ति को नुकसान हो रहा है, मान लो संपत्ति को नुकसान हो रहा है, या उसमें ऐसा माना जाए कि इसमें बुरी शक्ति निवास करती है, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाना, तो वो क्या हो गई, एक डायन हो गई। अरे बात समय, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए कोई डायन नहीं होती है, लेकिन ऐसा आरोप लगाते हैं कि वो डायन है, ठीक है, तो डायन को परिभाषित कर लिया यहां पे। अब होता है डायन वृत्ति, क्या है, डायन वृत्ति, वृत्ति का मतलब सीधा सा अर्थ बढ़ावा देना, अरबा समय, और ऐसा दावा करना, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, है ना, झाड़ फूंक, है ना, और ऐसा कि बुरी शक्ति को हम केंद्रित करते हैं, अरबा समय, ये चीजें जो तंत्र मंत्र करना, टोना टोटका करना, ये सब चीजें किस में आ गई, डायन वृत्ति को बढ़ावा देना, नहीं डायन को बढ़ावा देने से संबंधित हैं ये चीजें, एक तो तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काला टीका लगा दो ये नहीं होगा, ये कर दो वो ये नहीं होगा, है ना, ऐसी कोई नजर नहीं लगेगी, कई चीजें ऐसी होती ना, उसको हमें ध्यान रखना, झाड़ फूंक, फिर क्या होता है, लोगों की एक सोच हो जाती है, छोटे बच्चे को अगर ऐसा कह दिया जाए कि भाई तू ऐसा काला टीका लगा कर जा, तेरे डाकर नहीं लगेगी, तेरे ये नहीं लगेगी, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से उन दिमाग में ऐसा ही विकसित हो जाता कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, अरे बात समय, जादू टोना, तो ये सब चीजें किस में आ गई हैं, इसमें डायन वृत्ति के अंदर आ गई हैं, ठीक है। तीसरा शब्द हम लेते हैं इसमें कौन सा, डायन चिकित्सक, डायन चिकित्सक, मेन तो आपको परिभाषा को ध्यान रखना, धारा नंबर दो कह रही, लेकिन कुछ शब्द हैं ऐसे जो आपको समझना जरूरी है। डायन चिकित्सक हम कह सकते हैं डाकनों का डॉक्टर, डाकनों का क्या हो गया, डॉक्टर, और वो दावा करता है कि इस शक्ति को मैं निकाल सकता हूं, अरे बात समझ, डॉक्टर हो गया एक तरह से, ठीक है भाई, वो क्या करता है, तंत्र मंत्र ऐसा करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, इसको तांत्रिक भी कह सकते हैं, अरे बात समझ, इसको हम क्या कह सकते हैं, तांत्रिक, क्लियर। अब देखिए आप नेक्स्ट, डायन प्रताड़ना, इस चीज को खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, डायन प्रताड़ना को, डायन प्रताड़ना में क्या होता है, किसी महिला को डायन के रूप में साबित करना, पहचान करना, डायन के रूप में पहचान करना, हम कह दे ये डायन है, रूप में पहचान करना, या हम कह सकते हैं उस पर दोष मढ़ना, दोष लगाना, हर बात में क्या लगाना, दोष लगाना, भैया सबसे सीधा देखो आप, प्रताड़ना, प्रताड़ित करना, प्रताड़ना क्या होता है, प्रताड़ित करना, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, अरे बात समय, अब शारीरिक रूप से भी इसको आप प्रताड़ित कर सकते हैं, उसको मारना कूटना, है ना, शारीरिक रूप से हो गया, मानसिक रूप से अब उनको डाकना आप बता रहे हो, तो मानसिक आघात सीधा सीधा उसको लग रहा है, अरे बात समय, तो ये सब किस में आ रहे हैं, प्रताड़ने के अंदर आ रहे हैं, तंग करना हो जाता है,
उसको क्षति पहुंचाना, ये सब चीजें किस में आ रही है, प्रताड़ना करो। तो ये जो इन शब्दों का हमें ध्यान रखना, ये शब्दों को परिभाषित कर रखा है धारा नंबर 2 के अंदर, और धारा नंबर 1 इसका नाम, विस्तार और लागू करने को उल्लेख करती है। तो ऑफकोर्स आपको ये फर्स्ट धारा और सेकंड धारा आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट धारा, दो धाराएं आपके समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं हम नेक्स्ट धारा, धारा नंबर 3। धारा नंबर कौन सी ले रहे हैं हम, 3। धारा 3 क्या कहती है, एक तो डायन प्रताड़ना, एक तो कह रही डायन प्रताड़ना और एक कह रही डायन वृत्ति। का निषेध, हर बात समय, धारा नंबर 3 कह रही एक तो डायन प्रताड़ना और एक डायन वृत्ति, डायन लोगों यानी डायन डाकन बताकर महिला को प्रताड़ित करना, और एक डायन व्रति यानी डायन प्रथा को बढ़ावा देने वाले, इनका उल्लेख करती धारा नंबर 3। और इसमें अगर डायन प्रताड़ना की बात करें तो धारा नंबर 4 सजा का प्रावधान कर रही है इसमें, और डायन व्रति की बात करें तो धारा नंबर 5 इसमें सजा का प्रावधान कर रही है। ऐसा नहीं कि इस धारा के अकॉर्डिंग सजा मिल रही है, इनके लिए इस अधिनियम की अलग धाराएं बनी हुई है। समय तो डायन प्रताड़ना डायन वृत्ति का निषेध का उल्लेख कौन सी धारा करती है, धारा नंबर 3। और अब करते हैं हम बात करते हैं धारा नंबर 4 की, धारा नंबर चार सीधा समय ने आपको बता दिया डायन प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान। समय धारा नंबर 4 अगर दायन प्रताड़ना कर रहे हो तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, इसके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। इसमें ध्यान रखें आप, दो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग दायन प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान जो कर रखा है उसमें देखें आप, पहली बात अगर जो दायन प्रताड़ना का कार्य करेगा, जो दायन प्रताड़ना का कार्य करेगा, जो दायन प्रताड़ना का कार्य करेगा उसको जो सजा का प्रावधान है 1 से 5 वर्ष तक, कितना है 1 से 5 वर्ष, और जुर्माना है 50,000 रुपये, हो सकता है दोनों ले लिए जाए, बस उसमें आरोप लगाना कि ये क्या है, डायन है। और दूसरी परिस्थिति थोड़ी खतरनाक, उसमें सजा भी अलग मिलेगी। उसमें क्या है, किसी महिला को जिसको आप डाकन बता रहे हो, किसी महिला को डायन जो आप बता रहे हो उसमें क्या कर रहे हो आप, उसको नग्न कर दिया, या उसको कम कपड़े पहना दिए, या फिर वो एक खाद्य चीजें उनको खिला रहे हो, यानी एक खाद्य का मतलब समझ रहे हो आप, जो चीज़ उसको खिलाई नहीं जा सकती, मानव नहीं खाता है, ऐसी चीज़ें उसको खिला रहे हो, उसको मजबूर कर रहे हो खाने के लिए, खाने के लिए क्या कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो, या उसको कालिक पोंछ रहे हो, उसको चेहरा काला कर रहे हो, गधे पे बिठा रहे हो, अरे बात समय, और भी हम बात कर सकते हो, उसको संपत्ति से बेदखल कर रहे हो, संपत्ति से बेदखल, ये जो एक अलग प्रकार से उसको प्रताड़ित करने का रूप हो गया, और इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, एक आरोप लगा रहे हो आप कि ये क्या है, डायन है। तो ये गलत है, नग्न करना, कम कपड़े, एक हाथ दे, है ना, जो चीज़ें खाने की नहीं होती है उसको ऐसी चीज़ें खिलाई जा रही, इसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो है 3 से 7 वर्ष। इसमें सजा कितनी होगी, 3 से 7 वर्ष, और जुर्माना इसमें कितना होगा, 50,000, या फिर क्या होगा, दोनों। तो समझे आप धारा नंबर 4 को, धारा नंबर 4 में दायन प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान है, अरे बात समय, और धारा नंबर 3 दायन प्रताड़ना और डायन वृत्ति का निषेध कर रही है।
और सीधा सा प्रताड़ना ता चार नंबर धारा में आ गया और वृत्ति का किस में आ रहा है धारा नंबर पांच में। हम बात करते हैं नेक्स्ट धारा नंबर पांच, इसमें क्या होगा डायन वृत्ति, डायन वृत्ति की सजा का प्रावधान। जो डायन प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, वृत्ति कर रहा है अरबाज समय, उसके लिए सजा का प्रावधान कर रखा है इसमें। उसमें क्या सजा, एक से तीन वर्ष तक, क्या इसमें एक से तीन वर्ष तक अरबाज समय, और जुर्माना क्या इसमें दस हजार रुपये। आया समझ में यहां तक? तो ये तीन धाराएं मैंने आपके सामने वापस लिए, डायन प्रताड़ना, डायन वृत्ति का निषेध, डायन प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान और डायन वृत्ति के लिए सजा या दंड का प्रावधान। अब कोर्स ये तीन धाराएं आपके समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट तीन चार पांच। अब लेता हूं नेक्स्ट धारा, पंद्रह धाराएं पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट धारा बता रहा हूं उसको आपको फोकस करना है। अब देखा आप नेक्स्ट धारा जो है धारा नंबर सिक्स, धारा नंबर सिक्स क्या कहती है, डायन चिकित्सक के लिए दंड का प्रावधान। समझ गया आप, डाकणों का जो डॉक्टर होता है उसके लिए सजा का प्रावधान कर रही है धारा नंबर सिक्स। इसमें क्या होता है, जो बंदा दावा करता है, एक तो ये चीज ध्यान रखो, और दावा क्या कर रहा है कि उस महिला के अंदर या उस स्त्री के अंदर जो शक्ति है या बुरी आत्मा है उसको मैं जादुई शक्ति के माध्यम से बाहर निकाल सकता हूं। आर्यवास में कौन सी शक्ति से, जादुई शक्ति से। जो बंदा दावा कर रहा है कि मेरे पास ऐसा जादू है कि उस स्त्री की आत्मा से बुरी आत्मा निकाल दूंगा, अगर ऐसा बंदा दावा कर रहा है तो उस बंदे को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी धारा नंबर सिक्स के तहत। और सजा कितनी मिलेगी, एक से तीन वर्ष। सजा कितनी मिलेगी, एक से तीन वर्ष अरबास में, साथ में जुर्माना भी है, वो कितना है दस हजार रुपये या दोनों। ठीक है, तो एक तो दावा कर दिया, एक साथ में ध्यान रखना अनुष्ठान करना, हवन वगैरह करना, किसके लिए, बुरी आत्मा को निकालने के लिए अरबास में। उसके लिए सजा का प्रावधान है तीन से सात वर्ष। सजा कितनी होगी इसमें, तीन से सात वर्ष सजा होगी और साथ में जुर्माना लगेगा, वो कितना लगेगा पचास हजार रुपये। इसमें दस हजार लग रहा है जो दावा कर रहा है, इसमें पचास हजार लग रहा है, इसमें सजा एक से तीन वर्ष आ रही है और इसमें सजा कितनी आ रही है तीन से सात वर्ष। तो ध्यान रखें आप, डायन चिकित्सक के लिए भी सजा का प्रावधान है। कोई दावा करता कि मैं डाकन को निकाल दूंगा इसकी आत्मा से एक तरह से, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। धारा नंबर सिक्स आ गई समझ में आपके। अब हम बात करते हैं धारा नंबर सात, धारा नंबर सात, धारा नंबर सात क्या कहती है इसमें, दायन प्रताड़ना से पीड़ित महिला, मान लो कोई महिला है दायन प्रताड़ना से महिला की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होना, उसके लिए दंड। देखिए आप, एक तो प्राकृतिक मृत्यु होती, ईश्वर के रूप में डायरेक्ट हम एक तरह से मृत्यु हो जाए, और एक जो ए प्राकृतिक यानी कि ईश्वरीय रूप से नहीं मरा, वो किसी ने मारा उसको प्रताड़ित करके मारा है। मान लो जांच होती है और जांच में ये पाया जाता है कि डायन प्रताड़ना से इसकी मृत्यु हुई,
और डायन प्रताड़ना से क्या हुआ, उसको मानसिक शारीरिक रूप से कष्ट प्रदान करते गए, तंग करते गए, अरे बात समय काफ़ी उसको जलील करते गए, नग्न कर दिया उनको, एक खाद्य पदार्थ खिला दिया उसको जो नहीं खाने खा सकती वो, तो ऐसी चीज़ों से क्या होगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, हो सकता है प्राकृतिक रूप से उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, और ऐसा जांच में पाया जाता है तो उस शख्स को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, और सजा कितनी मिलेगी, 7 वर्ष। सजा कितनी मिलेगी, 7 वर्ष मिलेगी, और 7 वर्ष के साथ साथ उसको आजीवन कारावास मिलेगा कि उसने उसको प्रताड़ित किया। क्या मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा उसे अरबास में, और साथ में उसको एक बड़ा जुर्माना लगेगा, और जुर्माना कितना होगा, 1,00,000 रुपए। जुर्माना कितना होगा, 1,00,000 रुपए, कि उसको एक तरह से हत्या हो गई, एक तरह से उसने क्या कर दिया, ये हत्या कर दी है अरबास समय। तो धारा 7 आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो टोटल 15 धाराएं, लेकिन मोटे तौर पे मैंने मुख्य रूप से आपको 7 धारा समझाई, और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनते। अब देखो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं धाराओं को। धारा नंबर 1 क्या कह रही है, उसका नाम अधिनियम का, उसका विस्तार और उसको लागू होना। नाम हो गया इसका डायन, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। विस्तार हो गया पूर्णतया राजस्थान में। ध्यान रखें ये अधिनियम भारत में लागू नहीं है, सिर्फ राजस्थान में, क्योंकि ये प्रथा ज्यादातर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में विद्यमान है। ठीक है, लागू 26 जनवरी 2016। तो पहली धारा होगी कंप्लीट। नंबर 2 धारा, नंबर 2 धारा के अंदर इसको परिभाषित कर रखा है, इसको क्या कर रखा है, परिभाषित कर रखा है डायन का अर्थ, डायन वृत्ति, डायन प्रताड़ना अरबा समय और डायन चिकित्सक। तो ये 4 शब्दों को इसमें परिभाषित कर रखा है, इसका हमें ध्यान रखना है। 2 धारा हो गई। नंबर 3 धारा क्या कहती है, डायन प्रताड़ना या डायन वृत्ति का निषेध, डायन प्रताड़ना एंड डायन वृत्ति का निषेध, धारा नंबर 3 कहती है अरे बात समय। और धारा नंबर 4 क्या कह रही है, डायन प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान, डायन प्रताड़ना के लिए क्या है, दंड का प्रावधान। धारा नंबर 5 क्या कह रही है, डायन वृत्ति, अगर कोई डायन प्रता को बढ़ावा देता है, वृत्ति करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान। तो ये ध्यान समझ लें आप, 3री धारा चौथी 5वीं से जुड़ी हुई है। और धारा नंबर 6 क्या कह रही है, डायन चिकित्सक के लिए दंड, डायन चिकित्सक के लिए दंड। और धारा नंबर 7 क्या कह रही है, अगर कोई महिला की मृत्यु ऐसी हो जाए पीड़िता की जो डायन प्रताड़ना से हुई है, अप्राकृतिक रूप से हुई है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान। ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप। और इसमें सजा क्या मिलती है, 7 वर्ष और आजीवन कारावास, और जुर्माना कितना लग रहा है इसमें, 1,00,000 रुपए। जुर्माना कितना लग रहा है इसमें, 1,00,000 रुपए। तो ये 7 धाराएं मोटे तौर पे मुख्य थी जो मैंने आपको समझाई है अरबा समय। और ये अधिनियम कब पारित होता है, 2015 में बनता है, और लागू कब हो रहा है, 26 जनवरी 2016। एक चीज मैंने पृष्ठभूमि में कुछ बातें आपको बताई थी, उसको खास तौर पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले डायन प्रता पे जो रोग लगाई वो कौन सी रियासत, उदयपुर रियासत है, और कब लगाई, 1853 में लगाई अरबा समय। और उस टाइम जो राजा थे वो कौन थे, महाराणा स्वरूप सिंह। राजा कौन थे, महाराणा स्वरूप सिंह थे, इसका हमें ध्यान रखना है। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये अधिनियम जो स्पेशली राजस्थान के लिए था आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और अब तक हमने 4 एक्ट ले लिए, और पूरा विश्वास 4 एक्ट आपको समझ में आए होंगे। और अगर ये क्लासें आपको पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है, तो आगे शेयर भी कीजिए जो दूसरे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लासें आप देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें, और एक निश्चित रूप से कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको उसको समझाएंगे। ये ध्यान रखें आप, धन्यवाद।